पूछते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज आती है, हमारे दिमाग में आती है संख्याएं। हम संख्याओं के विषय में सोचते हैं क्योंकि संख्याओं के आधार पर हम वस्तुओं को गिनते हैं या हम उनकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले संख्याएं आई, तो कौन सी संख्याएं आई, एक से लेकर नौ तक की संख्याएं आई। जैसे अगर मेरे हाथ में ये एक चौक है तो इस एक चौक को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास प्रतीक चिन्ह क्या है, एक है, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बाद में हमारे पास एक समस्या आई कि हमारे पास मान लीजिए पांच एप्पल है और टुकनी में रखे, और पांचों एप्पल को यदि बच्चों ने खा लिया तो उस टुकनी में क्या बचा, तो उस टुकनी में कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचे की अवधारणा आई, उस समय एक नए प्रतीक चिन्ह का आविष्कार हुआ, उस नए प्रतीक चिन्ह को शून्य से दर्शाया गया। तो ये हमारा कौन सा अंक बना, दसवां अंक बना। लेकिन शून्य को कभी भी हम गिनती की संख्या के लिए यूज नहीं करेंगे, है ना, जब कुछ नहीं बचा उस समय हम शून्य का प्रयोग करेंगे। तब नौ के बाद हमारी दसवीं संख्या बनी, एक और शून्य, तब ये हमारा दसवां अंक बना, दस बना हमारा, दसवां अंक नहीं कहेंगे, दस बना हमारा। और इस तरह से हमारी सभी गिनतियां बनी हुई हैं। तो हमें गिनती को या संख्याओं को जानना बहुत जरूरी है अगर हमें गणित बेसिक से पढ़ना है।